hello everyone how you all are doing i really hope you all are doing well and good if you're new know to this channel hi my name is saba and i'm a digital content creator I create content related to beauty, fashion, lifestyle. So if you like what you see so far, then please be my virtual family by subscribing the red subscribe button. So guys, आज का video बहुत ज़्यादा interesting है and this is much requested video on my channel. You guys, आप लोग मुझे इतने सारे DMs करते हो Instagram पे कि please मुझे बताओ कि कैसे Instagram account grow कर सकते हैं, brands के साथ collaborate कैसे करें, view stuck हो गया है, followers stuck हो गया है, कैसे उसको increase करें? तो इस video में आपको इन सब के answers मिलेंगे. तो मैं एक छोटा सा gist दे देती यू गाइज मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बैक इन तीन महीने पहले की मैं बात बता रही हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वाज़ फ्रीज्ड बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे फॉलोअर्स तो एकदम स्टक हो गए थे आई थिंक uh, 1300 के यू you नो know, 1300 पे जो मेरे फॉलोअर्स थे वो छः महीने से स्टक थे एक आ रहे थे दस दिन में दो आ रहे थे इस तरीके से मेरे फॉलोअर्स आ रहे थे व्यूज़ भी सिर्फ 800, 900 के बीच में स्टक हो पड़ा था ठीक है कुछ भी नहीं हो रहा था द अकाउंट वॉज नॉट ग्रोइंग एंड मैं एवरी सिंगल डे रील्स डाल रही थी दिस इज अ फैक्ट बट स्टिल आई कांट यू नो आई कुड नॉट एबल टू सी द ग्रोथ ऑन माई इंस्टाग्राम पेज मैं बहुत ज्यादा परेशान थी आई वॉज लिटरली सो अपसेट एवरी सिंगल डे के यार मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूं कि माई अकाउंट इज नॉट ग्रोइंग हर किसी का अकाउंट ग्रो कर रहा है बट मेरा अकाउंट बिल्कुल ही फ्रीज हो चुका है तो इन दो महीनों में आई गॉट फिफ्टीन हंड्रेड प्लस फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड रीच भी काफी ज्यादा अच्छी हुई है सो इस महीने का मैं रीच बता रही हूँ आपको सो फोर लैक पीपल हैव रीच आउट टू माई अकाउंट एंड व्यूज की बात कर सो ऑन एंड ऑफ मुझे यू नो टेन थाउजेंड प्लस का व्यूज आ रहा है, right so, इस तरीके से मेरा ग्रो किया है इन दो महीनों में so, so, so मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग एज अ वाला दो महीने पहले की बात कर रही हूँ दो तीन महीने पहले की आई वॉज लिटरली सो अपसेट सो डिप्रेस मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी कि वाई माई अकाउंट इज नॉट ग्रोइंग एंड द फैक्ट इज कि एवरी सिंगल डे अपने अकाउंट पे अपने यूट्यूब पे बट स्टिल ही फ्रीज हो चुके थे मैं फॉलोवर का तो मैं आपको बता रही हूं कि, you know, दो, में, दो दिन में तीन दिन में एक फॉलोवर आते थे so, इस टाइप की गंदा वाला अकाउंट जो स्टक हो जाता है फ्रीज हो जाता है तो वो वाला हो गया था एंड नाओ मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अपने अकाउंट्स में आजमाए हैं कुछ कुछ टेक्निक्स आजमाई है जिससे मेरा अकाउंट काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको हेल्प हो सो गाइज दो तीन महीने पहले की मैं बात बता रही आपको जब मेरा अकाउंट बिल्कुल ही फ्रीज हो गया था आई वॉज नॉट गेटिंग एनी फॉलोअर मेरे व्यूज टफ थे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था तो आई कैन फील द पेन ऑफ यू गाइज जो भी इस वीडियो को देख रहा है आई नो यू आर सफरिंग अ लॉट बट डू नॉट वरी आई एम हियर फॉर यू गाइज जिस भी तरीके से मैं हेल्प कर पाऊंगी आई एम गो नाट डू इट इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि यू नो आई हैव गॉन थ्रू डैट पेन एंड ट्रस्ट मी इन्ज़ाइटी जो होती है ना वो रियल होती है इस चीज़ में नंबर्स जो आपको जो ट्रिकी गेम खेलते हैं ना ब्रेन के साथ डैट इज़ अ रियल पेनफुल थिंग सो डैट इज़ ए रीज़न आई स्टार्टेड स्टार्टड सीरीज़ जहाँ पे मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है जिससे मुझे यू you नो know, इस फील्ड में ग्रो करने में हेल्प मिली है वो मैं आप लोगों तक पास आउट करूँ एंड आपको हेल्प मिले सो दैट इज होल मोटिव बिहाइंड द सीरीज एंड इससे रिलेटेड और भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं सो गो चेक इट आउट ब्रांड चाहिए कैसे क्या होता है इस फील्ड में सब के बारे में मैंने बताया हुआ है तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट जस्ट मूव टू द वीडियो एंड सी हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट ऑर्गेनिकली सो गाइस ऐसे बात कर लेते हैं पहले स्टेप की जो कि है नो योर नीश अपने नीश को अपने कैटेगरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने सब कुछ ही डाल लिया ना अपने पेज पे तो कोई भी आपको फॉलो नहीं करेगा लॉजिक पे ये समझना है कि अगर हम लोग ही किसी के पेज पे जाते हैं देखते कि उसने क्रिकेट का भी डाला हुआ है फैशन का भी डाला हुआ है यू you know, लाइफ स्टाइल का भी डाला हुआ है ब्यूटी भी डाल रही है हेयर स्टाइल भी डाल रही है तो उसका एक चीज पर कोई कमांड नहीं है ठीक है तो शी, शी के नॉट बी गुड एट वन थिंग तो इस तरीके से हम लोग भी फॉलो नहीं करते उस इंसान को उस क्रिएटर को तो आपको अपनी नीच जानना अपनी कैटेगरी सेट करना सी आई एम गुड एट वन थिंग फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी थिंग तो उस तरीके से आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है कि आई हैव अ फुल कमांड ऑन वन कैटेगरी एंड दैट इज़ अ रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो तो इस तरीके से अपना नीच जानना बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू में हमें आइडिया नहीं होता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं राइट बिकॉज पहली बार वीडियो बना रही हूँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ़ मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफस्टाइल करना है मुझे ब्लॉग करना है या फिर मुझे यू नो ब्यूटी क्रिएशन करना है मेकअप करना है स्किन केयर से रिलेटेड बनाना है या फिर फैशन से रिलेटेड वीडियो बनाना है तो मैंने क्या किया आई स्टार्टेड मेकिंग एवरी थिंग उसके बाद जाके कुछ वक्त के बाद ही आपको रियलाइज हो जाता है कि ओके दिस इज द वन कैटेगरी जो मुझे फॉलो करना है जिस पे मुझे अपना वीडियो बनाना है तो आपको कुछ वक्त में समझ में आ जाएगा बट शुरू में यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ थिंग जैसे मैंने आपको बताया तो जो जिस जिस चीज में आपको यू you नो know, आपको पसंद है जो जो चीज़ें उस पर आप वीडियो बनाना स्टार्ट करो थोड़े वक्त में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज में वीडियो बना सकते हो या आपका पैशन किस चीज की तरफ है फॉर एग्जाम्पल मेरे में ऐसा हुआ कि वन आई स्टार्टेड ऑफ मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो आई स्टार्टेड विथ एवरी थिंग मैंने व्लॉग भी बनाया मैंने यू नो ट्रैवल वीडियोज भी बनाए मेकअप वीडियोज भी बनाए स्किन केयर वीडियोज भी बनाए लाइफ स्टाइल वीडियोज बनाए फैशन वीडियोज बनाए सब कुछ बनाया एंड नाउ अब जाके मैंने अपनी कैटेगरी को नीच डाउन किया है एंड मैं वीडियोज बनाती हूँ मेकअप से ब्यूटी से स्किन uh, केयर हो गया फैशन uh, हो गया तो ये ये जो कैटेगरीज़ है ना वो एक ही कैटेगरी में आती है सब कैटेगरी में तो इस तरीके से आपको अपना नीच जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ से वीडियो बनाओ एंड आपको लोग पसंद करेंगे आपको इसमें क्या करना है अपना फुल कमांड देना है कि सी दिस इज़ द टॉप नॉट क्वालिटी वीडियो विच आई एम गिविंग टू माई ऑडियंस इस तरीके से आपको अपना वीडियोज़ बनाना है क्वालिटी होना चाहिए उसमें आप अपनी अच्छी रिसर्च करो अपना ओन एलिमेंट डालो यूनिकनेस डालो ओन टच डालो एंड फिर वीडियो को प्रोड्यूस करो तो, तो डेफिनेटली ऑडियंस आएगी व्यूअरशिप मिलेगी लोग आपके वीडियोज़ को पसंद करेंगे बट हाँ अपना यूनिकनेस उसमें देना है मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज की रिसर्च योर कॉन्टेंट जो भी आप कॉन्टेंट बना रहे हो अभी आपने अपना नीच डाउन कर लिया आपको समझ में आ गया है कि ओके आई वॉन्ट टू बी अ ब्यूटी क्रिएटर राइट अब उस चीज में आपको क्या करना है लोग बोलते हैं ना उस चीज में आपको महारत हासिल करनी है आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है अपनी वीडियो क्वालिटी को अपग्रेड करना है अपने कॉन्टेंट के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करना है बेसिकली आपका फुल कमांड होना चाहिए उस नीच पे कि सी आई एम आई एम गुड एट इट दिस इज़ द टॉप नॉट क्वालिटी वीडियो जो मैं बना रही हूँ अपनी ऑडियंस पे एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई कॉन्टेंट ठीक है अपने कॉन्टेंट पे फुल्ली कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो डेफिनेटली जो भी वीडियो बना रहे हो उस पर फुली रिसर्च करो ठीक है कि कोई भी ऐसे नेगेटिव कॉमेंट करके मत जाए कि वो शी डजेंट नो एनी थिंग एंड फिर भी वो वीडियो बना रही है तो अपना आ, अपने आप को अपग्रेड करना किसी भी फील्ड में इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपग्रेडेशन करो जैसे जैसे आप अपना काम करते जाओगे आप कुछ ना कुछ सीखते जाओगे वो सीख को अपने वीडियो में डालना है नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से आप अपने यू नो स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो अपने वीडियो क्वालिटी को अपग्रेड कर सकते हो अपने कंटेंट को अपग्रेड कर सकते हो सो डेफिनेटली रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या रिसर्चिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हो यू कैन फॉलो अपने नीच के अराउंड जो भी टॉप क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो करो देखो कि उन पर क्या चीज़ें चल रही हैं वो लोग कैसे वीडियोज़ बना रहे हैं क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स वो अपने वीडियोस में यू you नो know, डाल रहे हैं कि उनकी वीडियोस अच्छी परफॉर्म कर रही है उनसे इंस्पायर्ड हो के यू कैन यू नो यू कैन मेक योर ओन वीडियो अपनी यूनिकनेस अपने यूनिक टच के साथ तो इस तरीके से आप ये नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर सकते हो नाउ मूविंग टू द थर्ड टॉपिक विच इज़ गुड सेटअप येस गुड सेटअप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट अपनी वीडियो क्वालिटी को अपग्रेड करना ही पड़ेगा आपको शुरू में ज़रूरत नहीं है शुरू में आप सनलाइट से यू you नो know, लाइटिंग के लिए आप सनलाइट यूज़ कर सकते हो ट्राईपॉड के लिए आप बुक्स यूज़ कर सकते हो या कोई भी चीज़ ऐसी जहाँ पे आपका कैमरा सेट हो पाए कैमरे के लिए आप अपना बेसिक सा फ़ोन यूज़ कर सकते हो शुरुआत में ज़रूरत नहीं होती है बट आपको एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अपनी वीडियो क्वालिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा मैंने अपना कैमरा कब लिया था आफ्टर टू इयर्स ऑफ माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी जब मुझे लगा था कि ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रही हूँ सो दैट इज़ द रीज़न आई इन्वेस्टेड इन माय कैमरा इन माय लाइटिंग सेटअप प्रॉप्स पे ये सब पे मैंने इन्वेस्ट किया तो आप जब फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट डू आपको अच्छा लगता है करना एंड आप अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करना चाहते हो तभी ये सब लोग शुरुआत में जरूरत नहीं है शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया लाइटिंग चाहिए सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइटिंग कैमरा चाहिए आप सबके पास आज आजकल तो सबके पास मोबाइल अच्छी क्वालिटी मतलब कैम, कैमरा क्वालिटी की आती है अपने मोबाइल से आप शूट कर सकते हो हाँ लेकिन शुरू में आप माइक ले सकते हो आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तभी लोग आपको सुनेंगे राइट तो क्या इसमें कर लो मैंने भी जब शुरुआत की थी ना तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट किया था जो कि एक वीक बाद ही कर लिया था मैंने वो था ये माइक जो आज तक मेरा साथ दे रहा है आई एम सो हैप्पी अबाउट इट दिस इज़ द वन प्रोडक्ट जो मैंने एकदम शुरू में लिया था चार साल होने को आए एंड अभी तक ये मेरा साथ दे रहा है सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट सो डेफिनेटली गुड क्वालिटी सेटअप होना ज़रूरी है माइक ले लो इस टाइप का कोई प्लांट ले लो अभी का ही सेटअप देख लो इस कुछ नहीं किया है मैंने वाइट वॉल है एंड ये प्लांट है मेरा जो कि ऑलमोस्ट अभी हर एक विडियोज़ में जा रहा है आई नीड टू चेंज माई सेटअप सो इस तरीके से आप अपना एक सेटअप बना सकते हो एंड एक गुड सेटअप होना इसलिए भी जरूरी है कि आप ही सोच लो फॉर एग्जाम्पल लॉजिकली मैं समझाऊंगी आपको कि आप किसी की वीडियो में जाते हो राइट right? एंड उसने ऐसे कोई बैकग्राउंड पे वीडियो बनाया होता है जहाँ पीछे पे पचहत्तर चीज़ें पड़ी होती है तो आप क्रिएटर पे फोकस नहीं कर पाओगे आपका दिमाग डायरेक्ट पीछे में जो भी पड़ी चीज़ें होती है ना उस पर जाएगा सो यू कॉन्ट फोकस ऑन दैट वीडियो तो इसलिए एक सूदिंग बैकग्राउंड एक एस्थेटिकली प्लीजिंग बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए आपको कोई फैंसी चीज़ लेने की जरूरत नहीं है आप एक छोटू सा प्लांट ऐड कर सकते हो जो कि हर घर में होता है ये मेरा आर्टिफिशियल प्लांट है बट आप रियल प्लांट ऐड कर सकते हो हर किसी के घर में वॉल होगी राइट जो एकदम क्लीन वॉल है उसके सामने जाके आप वीडियो बना सकते हो सो so डेफिनेटली एक अच्छा सेटअप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आराम से कहीं पर भी मिल जाएगा जो आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो में सो so, ये जो तीन बातें मैंने आपको बताई है वो तो हो गई बेसिक सी बातें जो कि आपको एज अ बिगनर ज़रूरत पड़ेगी ठीक है उसके बाद हम लोग एल्गोरिदम बेस्ड बातें करते हैं जो कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूट्यूब पे जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ना वो होता है एलगोरिदम आपने अगर एलगोरिदम से दोस्ती कर ली तो आपका करियर सेट है मतलब बस एलगोरीदम से दोस्ती करना बाकी है एंड यू आर जस्ट सेट यू don't need टू डू एनी थिंग तो मैंने भी वैसे किया मैंने भी एल्गोरिदम से दोस्ती की ना एल्गोरिदम से आप दोस्ती कैसे कर सकते हो आपको पता होगा सोशल मीडिया या इन जनरल इंटरनेट पे क्या काम करता है एल्गोरिदम काम करता है इन सब के पीछे कोई बंदा या बंदी काम नहीं कर रही है जो आपके वीडियोस को ऊपर करेगी नीचे करेगी व्यूज हटाएगी लाइक्स हटाएगी ऐसा कुछ नहीं होता है सब काम एल्गोरिदम करता है सो so, उससे दोस्ती करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना अब इससे आप दोस्ती कैसे कर सकते हो उनका एक पैटर्न होता है ठीक है आप उनके पैटर्न्स को फॉलो करो तो आप उनके एक अच्छे दोस्त बन पाओगे एंड आपको आपको ग्रो होने में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ना सबसे अच्छा पॉइंटर यहाँ पे ये यह है कि आप जो मेरे यू नो इंस्टाग्राम पे काफी ज़्यादा काम किया वो है अपलोड टाइम गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैं मेरी वीडियोस परफॉर्म इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मैं अपने सही वक्त पे नहीं डाल रही थी आपको वीडियोस तब डालना है जब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो वो आप कैसे पता कर सकते हो वो आप अपने एनालिटिक्स से पता कर सकते हो यूट्यूब पे भी एनालिटिक्स होती है इंस्टाग्राम पे भी एनालिटिक्स होती है जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे काम कर रहा है उसी से उ यू you नो know, उसी एनालिटिक्स से आपको एल्गोरिजम को समझना है एंड उसको फॉलो करना है आप एनालिटिक्स में जाओ आप जाना वेट लेट मी जस्ट गेट माय फोन सो मैंने अपना यहां पे फोन ले लिया है ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता पाऊं एंड यहां पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी ताकि आप देख के समझ पाओगे कैसे कैसे जाना है सबसे पहले आपको क्या करना है क्या इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाना है हर एक क्रिएटर के अकाउंट पे आप नीचे में देखना आपके मेन जो पेज होता है ना प्रोफाइल uh, वाला वहां पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके आएगा उसको आप क्लिक करो उसके बाद आपने क्या करना है अकाउंट इन साइट पर जाना है जो कि फर्स्ट टॉपिक होगा उसके बाद आप क्या करोगे टोटल फॉलोवर पे जाना है टोटल फॉलोवर पे जब आप जाओगे वहां पे आपको टाइमिंग्स दिख जाएंगी कि आपके फॉलोअर्स किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं उसी टाइम पे डालना मेरे जो फॉलोअर हैं वो अराउंड फाइव टू सिक्स के टाइमिंग पे ना ज्यादा एक्टिव होते हैं तो आप यू नो इन टाइम के बीच में ही डालना मैं बेसिकली साढ़े पांच के बीच में डालती हूँ पहले मैं क्या करती थी? थी रात में डाल देती थी दिन में डाल देती थी जब आपके ऑडियंस ज्यादा एक्टिव होंगी तो डेफिनेटली वो आपकी वीडियो को देखेंगी वो आपकी वीडियो को लाइक्स देंगी शेयर देंगी कॉमेंट देंगी इस वक्त एल्गोरिज्म को पता चलेगा कि ओके दिस इज अ गुड वीडियो वीडियो अच्छा करिए लोग प्यार दे रहे तो डेफिनेटली एक अच्छी लोगों तो तो तक जाएगी इस तरीके से वीडियो वायरल होती है वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपको आपको यू you नो know, अपने मोस्ट एक्टिव टाइम पे अपनी को डालनी है जब आपके ऑडियंस ज्यादा एक्टिव होंगे तब पता चलेगा जब एनालिटिक्स आपको यूज करना आएगा सो so, इस तरीके से आप अपने एनालिटिक्स से पता कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप तो मैंने बता ही दिया है सो डेफिनेटली गो चेक इउट राइट नाओ एंड आप अपने टाइमिंग को फिक्स कर लो जैसे मैंने फिक्स किया हुआ है मेरा फाइव टू सिक्स का टाइमिंग है इसके अराउंड मैं अपनी वीडियो डालती हूँ नाव यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि आपको एनालिटिक्स में अगर छः बजे का मोस्ट एक्टिव टाइम दिखा रहा है ना उससे एक घंटे पहले आपको अपनी वीडियोज को डालना है मेरे केस में छः बजे का टाइम मेरा मोस्ट एक्टिव है जहाँ पे मेरी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव होती है तो मैं पाँच बजे अपनी वीडियो डालती हूँ कभी इनकेस लेट हो गया तो साढ़े हो जाता है तो इस तरीके से आप एल्गोरिदम को अपना फ्रेंड बना सकते हो एंड डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इसको तो आप जरूर यू you नो know, अपने स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कीजिए ना मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि है थमनेल एंड हैश टैग्स थमनेल ओ माई गॉडियोज आई के नॉट स्ट्रेस एनफ कि थमनेल कितना ज्यादा रोल प्ले करता है आपके अकाउंट को ग्रो कराने में इन जनरल आपके वीडियो को ग्रो कराने में ना यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे YouTube पे थमनेल होता है ना वीडियो कितनी ही अच्छी है अगर थमनेल ही अच्छा नहीं होगा लोग उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ दिस इज अ गुड वीडियो राइट तो सेम केस होता है Instagram के साथ Instagram का अगर आपने थमनेल थामने कैची नहीं डाला है लोगों को नहीं पता होगी रिगार्डलेस द फैक्ट दैट कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली एक अच्छा कैची थमनेल बनाना है जो कि यू you नो know, लोग क्लिक करें आपकी वीडियो देखें उसके बाद आता है हैश टैग ना हैश टैग का अभी हैश टैग बिल्कुल डेड हो चुका है कुछ महीने पहले हैश टैग प्ले बहुत अच्छा रोल प्ले करता था बहुत बड़ा रोल प्ले करता था बट अभी हटा दिया है इंस्टाग्राम में बिकॉज क्या होता है कि जब आप वीडियो अपलोड करोगे ना वहाँ पे आता है टॉपिक्स तो आप अपनी तीन टॉपिक्स रेलिवेंट टॉपिक्स को चुन लो एंड वही आपके हैश की तरह काम करेगा बट अभी भी मैं हैश डाल देती हूँ टॉपिक्स भी सेलेक्ट कर देती हूँ जब मैं अपलोड करती हूँ तो हैश भी आपको ऐसे इनरेलीवेंट हैश नहीं डालने सो so आप छोटे हैश डालो यू you नो know, आप दस हैश डाल सकते हो थर्टी का आता है बट आप टेन टू फिफ्टीन डालो एंड वो भी रेलिवेंट होना चाहिए ऐसे कोई रैंडम मत डाल दो फॉर एग्जाम्पल लाइक्स फॉर लाइक शेयर फॉर शेयर ये सब जो रैंडम हैश होते हैं ना वो सब मत डालो शेडो बैन हो सकते हो आप लोग सो so, जो भी रेलिवेंट हैश होंगे आपके कॉन्टेंट से तो वो हैश डालो ताकि यू नो लोग जब एक्सप्लोर करें तो आपके विडियोज पहले आए तो so, इस तरीके से आप हैश डाल सकते हो बट अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि हैश टोटली totally डेड हो चुके हैं दे डोंट प्ले एनी रोल तो आप जब भी वीडियो अपलोड कर रहे हो ना वहां पे टॉपिक्स आएंगी आपको तीन रेलिवेंट टॉपिक्स चुनना है मेरे केस में जैसे मैंने आपको बताया मेरा नीश होता है मेकअप स्किन केयर यू नो तो मैं ये तीन डाल देती तो जो भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड तीन रेलिवेंट टॉपिक्स आप चूज कर लो एंड आप, आप अपना वीडियो अपलोड कर लो नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप गाइज ये है कि आपका जो वीडियो का तीन सेकेंड होगा ना डाट शुड बी कैची ठीक है आपको तीन सेकंड में ही अपने ऑडियंस को एकदम गैदर कर लेना है कि वो आपका पूरा वीडियो देखे राइट तो तीन सेकंड जो होंगे वो बिल्कुल कैची होने चाहिए अट्रैक्टिव होने चाहिए कि आपकी वीडियो में जान है भाई अब आप पूरा वीडियो देख लो तो इस तरीके से आप अपना तीन सेकेंड इंटरेस्टिंग बना सकते हो अब ये आपके यू नो क्रिएटिविटी पर डिपेंड कर सकता है कि आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस को uh, क्या बोलते हैं उसको होल्ड करके रख सकते हो तो आप अगर आपको मेरे लिए जानना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम गो थ्रू कर सकते हो कि मैं अपनी ऑडियंस को कैसे इंटैक्ट होल्ड करके रखती हूँ कि वो मेरा पूरा वीडियोस देखते हैं तो इस तरीके से द थ्री सेकेंड्स शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव वेरी कैची एंड यू नो आपको कैसे होल्ड करना है वो तो आप अपनी क्रिएटिविटी से होल्ड कर ही लोगे तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके अकाउंट को ग्रो कराने के लिए नाउ मूविंग टू द लास्ट स्टेप जो कि है आपका जो ऑर्गेनिक कंटेंट है और आपका जो स्पॉन्सर्ड या ब्रांडेड कंटेंट है वो बैलेंस होना चाहिए कैसे आप बैलेंस कर सकते हो जैसे मेरे केस में मैं क्या करती हूँ मैंने अपने डेज जो हैं वो बांटे हुए हैं कि अच्छा ठीक है अगर मैं चार स्पॉन्सर्ड कंटेंट महीने का कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे तो हफ्ते में एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट जाना चाहिए बाकी जो छः कंटेंट होंगे वो मेरे अपने होंगे नॉन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनिक कॉन्टेंट इस तरीके से आप यू you नो know, अपने ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट भी रहते हो एंड यू नो आप खुद ही देख लेना किसी के पेज पर पे, अगर वो हर दिन स्पॉन्सर्ड डालते हैं ना उनको उतने व्यूअरशिप नहीं मिलती है उनकी ऑडियंस को लगता है कि यार ये बंदा या ये, ये बंदी कुछ भी यू नो स्पॉन्सर्ड के लिए कुछ भी वीडियो बना देती है इस तरीके से आपको अपना पेज एक uh, वॉट यू कॉल प्रोमोशन वाला पेज नहीं बनाना है आपको अपने ऑर्गेनिक कॉन्टेंट को है वो यहाँ पे रखना है एंड अपने स्पॉन्सर्ड को यहाँ पे इस तरीके से आप बैलेंस करके चलोगे आपका पेज भी अच्छा रहेगा आपकी ऑनेस्टी भी दिखेगी एंड आपकी ऑडियंस उसको ज़्यादा पसंद करती है ये मैंने अपने केस में देखा है ठीक है वेन आई यूज़ टू डू बाटर बाटर का तो ऐसे कि आप डेली कर सकते हो उस और वो वो तो उस केस में तो पैसे भी नहीं मिलते लोग बाटर में ही अपना यू you नो know, हर दिन बाटर 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 स्पॉन्सर कॉन्टेंट डालते हैं एंड कभी कभी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि अच्छा इसको तो हर हर वीडियो के पैसे मिल रहे हैं बट ऐसा सेम चीज नहीं होता है कई बाटर मतलब ये हुआ कि आपको जो भी ब्रांड है आपको प्रोडक्ट दे रही है एंड इन रिटर्न वो आपको पैसे नहीं दे रही है सिर्फ प्रोडक्ट दे रही है आपको वीडियो देने हैं उनको तो आप अगर किसी के पेज पे ऐसे रोज देख रहे हो ना सो दे मस्ट बी डूइंग इन अ बाटर वे सो so, इस तरीके से तो आपको अगर स्पॉन्सर्ड मिल रहा है तो अपना एक बकेट तैयार कर लो यू नो वीकली बकेट के अच्छा ठीक है इस दिन स्पॉन्सर्ड जाएगा तो उसके इर्द गिर्द का जो दिन है उसमें अपने ऑर्गेनिक कंटेंट को फिल आउट करो ताकि आपको बैलेंस यू you नो know, आपका कंटेंट ऑप और आपका पेज एक बैलेंस पेज लगे ना कि एक प्रोमोशनल या प्रचार वाला पेज लगे सो so, इस इस चीज़ को आपको ज़रूर फॉलो करना है इससे आपके पेज को यू नो काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है ये मैंने पर्सनली फ़ील किया है अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ सो डो नॉट जैसे मैंने आपको बताया पिछले वाले वीडियो भी इसी टॉपिक पर थी कि से नो टू बाटर यू गाइज बाटर आपको इतनी हद तक एक्सप्लॉयड कर रही है क्रिएटर्स को मैं बता रही हूँ बिकॉज़ अब ऐसा हो गया है कि जितने लोग बाटर लेते रहते हैं ना तो उससे हम जैसे लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है बिकॉज पीपल लाइक ये अच्छा वो तो बाटर ले रही है आपको क्यों हम पे करें वैसा वाला सीन हो जाता है सो व्हेन बाटर इज़ नॉट पेइंग योर बिल्स आपको प्रोडक्ट रख के क्या करने राइट दे आर नॉट पेइंग यू एनी बिल्स तो बाटर को प्लीज़ ना बोलो अपने काम से अपनी पहचान बनाओ मेक योर पेज अ ब्रांड ऑफ योर ओन एंड यू नो आपका कंटेंट ही आपकी बात करनी चाहिए एंड उसके बाद आपको डेफिनेटली पेड मिलेगा बट अ मीन वाइल बाटर को कम्प्लीटली नो बोलो गाइज अपनी वॉट यू कॉल अपनी जो वैल्यू है आपको दिखानी पड़ेगी दिस इज़ द राइट टाइम बिकॉज इंडिया में स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ क्रिएटर्स को इतने गंदे लेवल पे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है बाटर के नाम पे जो कि बहुत गलत है बहुत ज़्यादा गलत है इंडिया से नो टू बाटर गाइज पिछले वाला वीडियो भी इसी टॉपिक पर था इंडिया में स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ क्रिएटर्स को बहुत गंदे लेवल पे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है बाटर के नाम पर सो प्रोडक्ट्स ल नेवर यू नो पे अव बिल्स तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान में रखो बिकॉज़ वी आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो आपको फ़ायदा नहीं होगा तो दिस इज़ द राइट टाइम टू ऑल द क्रिएटर प्लीज़ से नो टू बाटर डील्स अपनी वैल्यू को ब्रांड्स को दिखाना है एंड बिल्कुल भी शर्म मत करो अपने यू you नो know, अपने काम के लिए पैसे मांगने में आप काम कर रहे हो उनके लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब करता है किसके लिए करता है यार पैसों के लिए करता है एंड वही पैसे आपके बिल्स भरेंगे आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वही पैसे करेंगे प्रोडक्ट्स हमारा कुछ नहीं करता दे लॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स जो मेरे cupboard में अभी भी पड़े हुए हैं सो प्रोडक्ट विल नेवर 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 पे ऑर बिल्स और आपके कोई भी ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं कर सकता है सो सिनो टू बाटर एंड अपने वैल्यू ब्रांड को दिखाओ एंड या दिस इज इट गाईज आज के लिए काफ़ी सारा ज्ञान हो गया आई जस्ट फील लाइक कि मैं ज्ञान ही सभा बात कर रही हूँ सो या आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ आई जस्ट वॉन्ट द वीडियो टू बी शॉर्ट क्विक एंड क्रिस्प एंड ये सारी बातें मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से कर रही हूँ आई हैव बिन देर एंड ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं मैंने एक्सपीरियंस की है सो so, प्लीज़ आप अपने खुद को अकेला मत समझो आई एम देयर फोर यू गाइज जो भी हेल्प होगी आप मुझे डी एम कर सकते हो कॉमेंट कर सकते हो एंड आई विल बी ऑलवेज ऑलवेज देर टू हेल्प यू आउट जो भी मेरे से हो पाएगा ना आई एम को नाट डू इट फॉर यू गाइज सो या आज का वीडियो ये रहा उम्मीद करती हूँ कि आपको हेल्पफुल हुआ होगा